Oh, no, you didn't. बाहर चल जल्दी बाहर चल। व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत करने जा रहा हूँ मेरे इस व्लॉग में। और आज के व्लॉग में अपन फिलहाल आए हैं इंदौर का फुटी कोटी, जो कि रंजीत हनुमान से शायद अगला चौराहे पे ही है। और ये इंदौर की मोस्ट वॉन्टेड प्लेस से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल 6 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं करते। आते हो तो आप आपकी सेफ्टी से आओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ का एक बहुत खासियत चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या होता है यहाँ पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो बिना टाइम गुजरा करते हो, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अरे हाँ, अरे है आपकी मर्जी और है आपको मन, तो आ गया एक्सप्लोर पावर। गाइस फिलहाल ये एंट्रेंस यहाँ से चढ़ाव बनी हुई है छोटी सी, वहाँ से अपन आ सकते हैं फुटी कोटी में। अभी सुबह की लगभग 7:30 या 8 बज रही होगी, मैं अभी आया हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है फुटी कोटी, ये पूरा बन के आता है। ये सामने एंट्रेंस है और इधर से पूरा ढका हुआ है, और इसके पीछे गौशाला है। अगर हुआ तो हम जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा क्या है गौशाला के उधर भी कैसा सीन है। और यहाँ से एंट्रेंस करते फिर बताता हूँ क्या है। तो गाइस ये था फिलहाल एंट्रेंस फुटी कोटी का, अब इधर से अंदर जाऊंगा फिर बताऊंगा आपको क्या है इधर। चलो आओ अपन देखते हैं अंदर क्या है। तो अपन पहले राइट साइड चलते हैं, फिर देखते चारों तरफ क्या है यहाँ फुटी कोटी में। सो गाइस ये तो बाहर की एरिया, यहाँ से यहाँ पर ऊपर जाना अलाउड नहीं, उन्होंने मना करा अंकल ने कि आपकी सेफ्टी पे, कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ सपोर्ट नहीं है चढ़ाव के लिए। और यहाँ से आगे तक जाता है फुटी कोटी। चलो अपन अब देखते जाओ, थोड़ा घूमता हूँ उसके बाद फिर बात करता हूँ। ये गाइस कुछ ऐसा है नीचे, ओ ये अंकल। अरे वो एंड में लेंगे ना अंकल, आप लोग अच्छी चीज है वो। तो इधर नीचे जा सकते हैं, चलो लेकिन मैंने पढ़ा कि इसे नीचे जा नहीं सकता लोग। तो ये चारों तरफ ऐसा है कुछ गाइस, तीनों तरफ कुछ ना कुछ टाइप कुछ बनी हुई है। ऊपर जाके देखते हैं क्या करना है। सो गाइस हम फिलहाल राइट साइड घूमे अपन अभी फुटी कोटी का, मैं राइट साइड गया था पहले। और ये एक मंदिर है, 4 मंदिर हैं यहाँ पे। और बस एक खासियत बात है यहाँ की कि 4 मंदिर भी ऊपर छत है, बाकी कहीं भी छत नहीं है। क्योंकि जब भी यहाँ पर छत आती थी बहुत पुरानी, जितने लोगों की छत लगाई सब टूट जाती थी, पहले से ऐसे चलता था। अब देखते हैं आगे और क्या क्या खासियत चीज़ है, चारों तरफ घूमता हूँ फिर बताता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ आपसे। सो गाइस फिलहाल अपन अब जाएंगे आगे की तरफ। और ये भी मंदिर था आप में शूट कर रहा था, ऐसे 4 मंदिर है मैं आपको बता रहा था। जैसे तब मेरे साथ एक जना और आया है जो कि यजुस,
जाइए अभी मेरे साथ है पूरा, अभी बताएगा, हम दोनों बताते हैं कहाँ पे हम जा रहे हैं अब फिलहाल, तो चलिए अब देखते हैं। तो गाइस थोड़ा अंदर का सीन है देखना, तो बताता हूँ ये। और यहाँ की कुछ खासियत है कि यहाँ पे अभी भी वो जो सैनिकों मरे थे जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी उस समय, वो अभी भी यहाँ दफने हुए थे। तो उसके कारण यहाँ पर रात को नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए मना करते हैं आने का। और इधर मैं एक कुछ ढंग की चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो गाइस फिलहाल अगर जो जो लोग फूटी कोटी आए तो ये ऊपर के आर्किटेक्चर ज़रूर देखना, ऊपर ज़्यादा अमेजिंग आर्किटेक्चर। वहाँ पर एक छोटा सा स्टेचू जैसा टाइप कुछ बताया था, वो भी है सर। यहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर बहुत सही सही बनाया हुआ है, बस यहाँ पे ऊपर दीवार नहीं थी जिसका रीज़न मैंने आपको बताया था। ऊपर छत पर जब भी लगाते थे तो नेगेटिविटी गिरा देती थी वो छत। ये सब चारों तरफ ऐसा ही है। अब अपन जाएंगे लेफ्ट साइड और फिर दिखाता हूँ पूरा आपको क्या है। सो गाइस फिलहाल अपना राइट पार्ट पूरा हो चुका है कंप्लीट। और राइट पार्ट अपन पहला मंदिर कौन सा देखा है जूस, राम मंदिर। और अब अपन दूसरा मंदिर कौन सा जाएंगे, दूसरा मंदिर इधर है श्री द्वारकाधीश मंदिर। तो अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ द्वारकाधीश मंदिर कैसा है, रुको चल के बताता हूँ। ऐसा चार मंदिर बोले, अब मैंने दो दो देख लिए, तीसरा भी दिख ही रहा है, अब मैं आपको बताऊँ तो सॉरी रुको ये देख लो आप एक बार। ऐसे मंदिरों ने यहाँ पे, अब अपन चलते पूरा लेफ्ट पार्ट एक्सप्लोर करूँगा, फिर आपको सब बताऊँगा लेफ्ट पार्ट में क्या क्या है और एंड में सब चीज़ बताऊँगा आपको। सो गाइस फिलहाल फूटी कोटी का लेफ्ट साइड में बिल्कुल सेम है राइट जैसा ही। और जैसा कि अंकल ने बोला था कि यहाँ पे चार मंदिर है, लेकिन फिलहाल मेरे को तीन मंदिर ही दिखे, जिस वजह से लास्ट वाला मंदिर हनुमान जी का तो उन्होंने बिल्कुल पैक करके रखा पता नहीं क्यों। और जो चौथा मंदिर है वो मंदिर से थोड़ा सा आगे, तो मेरे हिसाब से मैं उसको फूटी कोटी में नहीं गिनूंगा, इसलिए मैंने तीन मंदिर ही दिखाए, तो चार बोला उसके लिए सॉरी। अब आगे देखो ये हो गया। सो गाइस हमने अभी तक पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं अच्छे से फूटी कोटी को, अब चारों तरफ देख लिया। अब अगर हमको कुछ खासियत बताऊँ तब प्लीज़ सही में शाम को मत आना, 6 बजे के बाद मत आओ, ये काफ़ी डेंजरस प्लेस है। और यहाँ के पंडित लोग या सब जो रहते हैं यहाँ पर रहते हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और सिर्फ ये मंदिर इसको थोड़ा ठीक रहता है, पॉजिटिव एक्टिविटी में रहता है सुबह इसलिए ठीक रहता है, शाम को नेगेटिव एक्टिविटी में मंदिर को भी बंद कर देते हैं। और बिल्कुल नहीं आना है शाम को, तो अपन आप आपकी रिस्क पर आ सकते हो, आपको आना हो। और अगर बात करी जाए यहाँ की फैक्ट की, तो फैक्ट तो आपको बता ही चुका हूँ, मैं चारों तरफ दिखा चुका हूँ, कुछ भी ऊपर नहीं है, दीवार वीवार सब टूट जाती थी हमेशा। और मेरे को बीच बीच में डरावना लगा क्योंकि हर जगह गेट बंद है, कहीं चालू है तो कहीं बंद है, और आप अंदर जा सकते नहीं हर जगह पे। यहाँ पे आप आओ, बहुत सही जगह फोटो शूटिंग से सब चीज़ करने की, तो बहुत सही जगह है। टिकटॉक की वीडियोस बना आपको बनाना हो तो आके सब चीज़ कर सकते हो, बस थोड़ा केयरफुल होके, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपने मेरे उस देख ही लिया था क्या हुआ था। बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे कि जब अपन नीचे जाते हैं तो उधर मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है कि उधर जाने में हमें बहुत डर लग रहा था। ये बात सही बोली हो। और अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला भी कृपया तो उन्होंने बंद कर दिया, मना कर दिया, कभी भी नहीं जा सकते, कुछ कर रही थी गाय। और तब देखते हैं लोगों घूमने आते हैं, आप सुबह आओ, आपको दिक्कत नहीं है। बस तो आज का ब्लॉग यही होता है ख़त्म। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं मेरा और यजुस का इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दूंगा लिंक में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर बॉय। और हाँ भाई को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये भाई बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना।